सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्सी फिल्म के रिलीज हुए गाने महरम के बारे में। महरम शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा शख्स जिसे हम बेशुमार प्यार करते हैं या उस चीज़ से हमें बेहद लगाव होता है। उस चीज़ से बिछुड़ जाने का जो दर्द होता है वही इस गाने महरम के अंदर दिखाया गया है, जिसमें शाहिद कपूर अपने उम्र के एक पड़ाव पर आकर क्रिकेट से बिछड़ जाते हैं और उस बिछड़ जाने का दर्द इस गाने के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब आप यह गाना सुनेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि एक खिलाड़ी या यूँ कहिए कि एक इंसान जिसके लिए क्रिकेट ही सब कुछ था, उसका सपना, उसकी ज़िंदगी, उसके दिन, उसके रात, सब कुछ, और जब वह हालातों के कारण उस क्रिकेट से अलग हो जाता है तो उसके पीछे का छुपा हुआ दर्द वह किस तरह बयां करता है, वही सब कुछ इस गाने के अंदर दिखाया गया है। हर फिल्म के अंदर कोई ना कोई गाना ऐसा होता है जो फिल्म रिलीज के साथ, फिल्म जब सिनेमा हॉल से हट जाती है उसके बाद भी वह उस फिल्म की पहचान होता है और बहुत लंबे वक्त तक वह फिल्म उसी गाने की वजह से जाने जाती है। ऐसा ही कुछ गाना शायद जर्सी फिल्म के लिए महरम वाला होगा। जैसा कबीर सिंह फिल्म में शाहिद कपूर की कबीर सिंह के अंदर बेख्याली सॉन्ग था, वैसे ही शायद जर्सी फिल्म के अंदर आपको यह गाना महरम फिल्म के कई लंबे समय बाद भी गुनगुनाने और सुनने को मिले। अब बात करते हैं गाने की शूटिंग की। तो गाने के अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ को दिखाया गया है कि जब वह स्पोर्ट्स पर्सन, एक खिलाड़ी, उस खेल से अलग हो जाता है तो उसकी लाइफ किस तरह से बिखर जाती है और उसकी लाइफ में कैसा दर्द वह दिन रात सोते जागते हुए महसूस करता है। और यह दर्द सिर्फ उसके निजी जीवन के साथ साथ उसके पारिवारिक रिश्तों को भी बिगाड़ देता है, और यही इस गाने में भी दिखाया गया है। जब शाहिद कपूर का अपनी पत्नी से भी अनबन और रिश्तों में मनमुटाव नज़र आता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जब गाना खत्म होने वाला होता है तब आपको एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल चीज़ दिखाई देगी कि उम्र के इस पड़ाव में आकर भी शाहिद कपूर मैदान पर कमबैक करते हैं और जब वह एक शॉट मारते हैं, जब बॉल बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे पर जाकर गिरती है, वह यह साइन होता है कि विजेता का कभी वक्त नहीं जाता, वह किसी भी उम्र में और किसी भी दौर में वापसी कर सकता है। तो हालांकि यह गाना शुरू दर्द के साथ होता है, लेकिन डायरेक्टर ने इस गाने को खत्म एक मोटिवेशन साइन के साथ किया है। उन सब के बावजूद गाने के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह बेहद ही कर्णप्रिय और खूबसूरत है। तो यह थी बात जर्सी फिल्म के मेहरंग सॉन्ग के बारे में। जल्दी मुलाकात होगी नई किसी टॉपिक्स के रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।